हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनयनंद चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन आंसर। तो फोर्थ पे थे कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपए 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? क्या एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो पहले तो हम माना कि जो टैक्सी का जो नियत भाड़ा यानी फिक्स जो रेट है टैक्सी का वो हमने मानी एक्स रुपए, ठीक है। और जो अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा होगा वो वाई रुपए होगा, यानी वो फिक्स तो लेगा ही रेट, आप एक किलोमीटर चलोगे उसका तो लेगा ही, साथ में जो अतिरिक्त होगा उसका भी लेगा, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार उसने क्या कहा था कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा होता है 105, यानी वो फिक्स रेट तो लेगा ही प्लस में जो अतिरिक्त होगा यानी 10y इक्वल में 105 होगा टोटल, ठीक है। एक्स प्लस में 10y इक्वल में 105, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। अब सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है कि अगर वो 15 किलोमीटर चलता है तो उसे 155 देने होंगे रुपए, यानी फिक्स तो लेगा ही, ठीक है, प्लस में वो जो अतिरिक्त है वो भी लेगा, यानी 15y इक्वल में 155, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम फर्स्ट से y x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये y tan y ये प्लस का है, इधर साइड को जाएगा तो माइनस को जाएगा, यानी x इक्वल में 105 माइनस tan y, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब जो x का मान है वो समीकरण सेकंड में रखने पर, यानी इसमें आपको पहले मैंने बता रखा है कि अगर आप फर्स्ट में से x की वैल्यू निकाल लें तो x की जो वैल्यू है वो सेकंड में पुट करें, अगर आप सेकंड में से निकाल लें x की वैल्यू तो आप वो फर्स्ट में पुट करें। तो हम सेकंड में पुट करेंगे x की वैल्यू, तो x वो 105 माइनस टेन वाई प्लस में 15y इक्वल में 155, जब 105 प्लस में 5y और इक्वल में 155, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का टेन वाई है और ये प्लस का 15 है, जब ये माइनस होगा तो प्लस का 15y बचे 5y बचेगा। आप देख सकते हैं 105 है प्लस का इधर साइड को जाएगा तो माइनस को जाएगा, यानी 5y इक्वल में 50 आएगा, माइनस होगा तो 50, फिर ये मल्टीप्लाई में है 5, इधर साइड को जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, जब कटेगा तो y की वैल्यू आएगी 10। अब y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर यानी इसमें रखने पर इजी होगा, इसलिए हमने इस पे रखा है, आप किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है, आंसर एकदम सेम आएगा। हमने थर्ड में इसलिए रखा है क्योंकि इजी आ रहा है, इसमें x की वैल्यू सीधी आ जाएगी, इसलिए तो x इक्वल में 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई में 10, तो x इक्वल में 105 माइनस 100 आएगा, और जब इसमें 105 में से माइनस का 100 डिवाइड माइनस होगा तो 5 आएगा, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो जो नियत भाड़ा था, नियत भाड़ा हमने क्या माना था, x रुपए, यानी हमारी x की वैल्यू क्या है 5, यानी 5 रुपए, ठीक है। और जो अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा क्या था, हमने क्या माना था y, यानी y पे कितना रहा 10, तो 10 रुपए। अब क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि एक व्यक्ति को 15 किलोमीटर चलने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा देना होगा इक्वल में, ये तो हमारा फिक्स है, ठीक है, और प्लस में जो 25 किलोमीटर चलेगा उसके पे अतिरिक्त किराया यानी वाई, ये वाई हमारा अतिरिक्त है, ठीक है। तो एक्स हमारी वैल्यू क्या आई थी 5 आई थी, प्लस में 25 मल्टीप्लाई में हमारा वाई की वैल्यू क्या आई थी 10 आई थी, जो हमारा अतिरिक्त किराया था, तो 5 प्लस में 200 250, और फिर जब 5 और 250 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 255 रुपये, यानी 25 किलोमीटर चलेगा तो उसे 255 रुपये पे करने होंगे। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कि माना जो भिन्न है, आप भिन्न भी लिख सकते हैं या अंश और हर लिख सकते हैं, माना कि अंश है वो x है और हर है वो y है, और आप ये भी लिख सकते हैं कि माना भिन्न है वो x बटे में y है, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार
अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिए जाएं, यानी x प्लस में 2 बट्टे में y प्लस में 2, तो वो क्या हो जाती है, इक्वल में 9 अपॉन में 11 हो जाती है हमारी जो भिन्न। ठीक है, ये हमारी आ गई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस में 2 जब 11 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 11 x प्लस में 22, और इक्वल में जब 9 इन y प्लस में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 9y प्लस में 18 आएगा। ठीक है, अब ये जो डिजिट है ये हम इधर साइड को ले आते हैं, तो 11x प्लस में 22 माइनस 9y और माइनस का 18 इक्वल में 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 और माइनस का 18, जब माइनस होगा तो प्लस का 4 आ जाएगा, तो यानी 11x माइनस वाई प्लस में 4 इक्वल में 0, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, अब फर्स्ट में से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 11x इक्वल में ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इधर साइड को ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, तो 9y माइनस का 4, आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 है ये मल्टीप्लाई में इधर साइड को डिवाइड में हो जाएगा, यानी x इक्वल में 9y माइनस 4 और डिवाइड में 11, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। हम अब सेकेंड निकालते हैं ये रही। अब दूसरे में क्या कहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी ये हमारा अंश है और ये हमारा हर है। ठीक है, x हमारा अंश है और y हमारा हर है, अगर इसमें हम दोनों में 3-3 जोड़ दें, यानी इसमें x प्लस में 3 और y प्लस में 3, तो हमारा क्या हो जाता है, वो इक्वल में 5 अपॉन में 6 हो जाती है वो भिन्न। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 6 को x प्लस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x प्लस में 18, इक्वल में जब 5 को y प्लस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5y प्लस में 15। ठीक है, अब ये जो डिजिट है ये दोनों हम इधर साइड को ले आएंगे, तो 6x प्लस में 18 माइनस 5y और माइनस 15 इक्वल में 0, ये प्लस प्लस के हैं दोनों, तो इधर साइड को आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये माइनस का 15 और ये 18 प्लस का है, तो 6x माइनस 5y प्लस में 3 आ जाएगा और इक्वल में 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी फर्स्ट और ये थर्ड आ गई। अब आप देख सकते हैं थर्ड में हमने x की वैल्यू निकाली थी, तो x का मान समीकरण सेकेंड में पुट करने पर, क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट में से निकाली थी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमने फर्स्ट में से निकाली थी तो हम सेकेंड में पुट करेंगे, तो हमने इसमें पुट करेंगे, तो 6 ब्रैकेट में 9y माइनस y और डिवाइड में 11 और ब्रैकेट बंद माइनस 5y प्लस में 3 इक्वल में 0, जब 6 को 9y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 54y, फिर हम 6 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24 और डिवाइड में 11 और फिर माइनस 5y इक्वल में 0, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्लस का 3 था तो इधर साइड को ले गई तो माइनस का 3 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूंगी, तो हमारा आएगा 11, जब इसको हम 11 को 11 में से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को जब इससे इस वाली पूरी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5y 54y माइनस 24। ठीक है, अब 11 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 11, फिर 11 को जब 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस का 55 y आएगा, फिर इक्वल में 0 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस 3 बचेगा। अब ये 11 है इधर साइड को जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो 54y माइनस 24 माइनस 55y इक्वल में माइनस का 3 मल्टीप्लाई में 11, तो इधर 33 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 33 आ जाएगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 54y और माइनस का 55y, जब माइनस होगा तो माइनस का वाई और माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस का 24 है इधर साइड को जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी माइनस का वाई इक्वल में माइनस 33 प्लस में 24, जब माइनस होगा तो माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 9। अब वाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो एक्स इक्वल में 9y माइनस 4 और डिवाइड में 11, तो आप देख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई में 9, वाई की वैल्यू हमने 9 रख दी और माइनस में 4 और डिवाइड में 11, तो 81 माइनस 4
डिवाइड में 11, तो 77 डिवाइड में 11 जब कटेगा तो 7 आएगा, यानी एक्स की वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी। जो भिन्न बनेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वाई को क्या माना था, हर माना था, तो यानी वो नीचे रखा जाएगा 9, और हमने एक्स को क्या माना था, अंश माना था, यानी वो ऊपर रखा जाएगा। तो जो हमारी भिन्न होगी वो 7/9 होगी, ठीक है। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? माना कि जैकब की जो वर्तमान आयु है वो एक्स वर्ष है और जो उसके पुत्र की आयु है वाई वर्ष है, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु होगी, बाद मतलब होता है उसमें 5 ऐड हो रहा है, जब भी बाद आए, यानी 5 आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वर्ष है, यानी बाद में आए तो प्लस करते हैं और पूर्व आए या पहले आए तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद, यानी जैकब की आयु में आप देख सकते हैं यहाँ पे जैकब की आयु एक्स है, उसमें 5 ऐड हो जाएगा 5 वर्ष बाद, इसलिए एक्स प्लस में 5 वर्ष हो जाएगी। फिर उसकी जो पुत्र की आयु थी वो क्या थी, वाई, तो वाई में 5 ऐड हो जाएगा, तो वाई प्लस में 5, ये हमारी 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु आ जाएगी, ठीक है, ये और ये। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी जैकब की जो ये आयु है वो अपने पुत्र की 3 गुनी, यानी इसके पुत्र है, ये पुत्र की आयु इसकी 3 गुनी हो जाएगी, यानी एक्स प्लस में वाई इक्वल में 3 ब्रैकेट में वाई प्लस में 5 ब्रैकेट बंद, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब दूसरे में क्या कह रखा है कि 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पे पूर्व आएगा, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगी, माइनस हो जाएगी, पूर्व बोल रखा है यानी माइनस हो जाएगी, तो एक्स माइनस 5 वर्ष, और जो उसके पुत्र की आयु होगी वो वाई माइनस 5 वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रखा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, यानी जैकब की आयु अपने पुत्र की 7 गुनी हो जाएगी, इसके 7 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु के 7 गुनी, तो x माइनस 5 इक्वल में 7 ब्रैकेट में y माइनस 5 ब्रैकेट बंद, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम सेकंड में से ना y की वैल्यू, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल में जब 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y आएगा, फिर 7 को जब माइनस के 5 से करेंगे तो माइनस का 35 आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का 5 है, इधर साइड को जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो x इक्वल में 7y और माइनस का 35 प्लस में y 5, और ये जब माइनस का 35 और प्लस का 5 माइनस होंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा, तो x इक्वल में 7y माइनस 30, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यानी इसमें रखने पर, ठीक है, तो 7y माइनस 30 प्लस में 5 इक्वल में 3y प्लस में 50, तो 7y माइनस 3y और माइनस 25 और इक्वल में 15, ये हम 3y को इधर साइड को ले आए तो ये माइनस का हो गया, ठीक है, और फिर 30 में से माइनस के 30 में से प्लस का 5 गया तो माइनस का 25 बचेगा। अब 7y और माइनस के 3y जब माइनस हो गया तो 4y आएगा, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का 25 है, जब इधर साइड को जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो 4y इक्वल में 40 आ जाएगा, फिर ये 4 है मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो कटेगा तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 10, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, यानी इस वाले समीकरण में, तो x इक्वल में 7 y की वैल्यू पुट कर देंगे तो 10 मल्टीप्लाई में और माइनस 30, तो x इक्वल में 70 माइनस 30, x में से x की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है। तो यानी जो x हमने क्या मानी थी, जैकब की आयु, तो जैकब की जो वर्तमान आयु वो 40 वर्ष होगी और जो उसकी पुत्र की वर्तमान आयु होगी वो 10 वर्ष होगी, ठीक है, ये हमारी यहाँ पे खत्म हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप हमें FB पर फॉलो कर सकते हैं विनय.anand96/anand,
और ट्विटर पे भी कर सकते हैं विनंदन 96। थैंक्स फॉर वॉचिंग।